हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइप एक्सपर्ट। माय नेम इज चंदन सिंह। फ्रेंड, जैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पाइप एक्सपर्ट के नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा, ठीक है, तो उसमें मैं प्लम्बर्स वीडियोस और आईटी प्लम्बर और फिटर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मोस्टली वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो उनके आईटी सिलेबस के जो रिकॉर्ड अकॉर्डिंग उनको पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है। अप्रेंटिसशिप जॉब, कैजुअल जॉब के बारे में जानकारी देता रहता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आईटीआई विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको बेनिफिट मिल सके एज ए कम्पटिशन एग्जाम में, या जो आपके अपने निम्बी पैटर्न एग्जाम वो देंगे उसमें उनको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो आज फ्रेंड मैं वैसे भी आपको बताने वाला हूँ टाइप ऑफ वॉल्स के बारे में, ठीक है, उसके क्रॉस सेक्शन के बारे में, और वॉल्स हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कौन कौन फिटिंग में यूज करते हैं, ठीक है। टेरेस पे कितने प्रकार टाइप ऑफ वॉल क्लासिफिकेशन वॉल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं उस फिगर के तरफ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि आप इस पाइप फिटर एक्सपर्ट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स से शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड, ठीक है, जिससे उनको मदद मिल सके, ठीक है। चलते हैं फिगर तरफ। फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल हैं, टाइप ऑफ वॉल हैं, ठीक है, जिनका आप लोग आज विस्तार पूर्वक इसका आप अध्ययन कराऊंगा, मैं बताऊंगा कुछ कितने प्रकार के आपके वॉल्स साइट्स पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं, एक मिनट मैं प्रॉप पैन ले लूँ। टाइप्स ऑफ वॉल में फ्रेंड पहला आपका आता है चेक वॉल, दूसरा आता है आपका मेन टाइप वॉल, मैनुअल वॉल, ठीक है। तो अब मैनुअल टाइप में फ्रेंड आपका आता है स्टॉपर टाइप क्लोजर, फिर आपका आता है वर्टिकल स्लाइड गेट, फिर आपके रोटरी टाइप, ठीक है। तो स्टॉपर टाइप वो क्लोजर में आपके ग्लोब वॉल आते हैं, ग्लोब वॉल में आपका निडल वॉल भी आता है, और इतने डिफरेंट टाइप के वॉल यूज किए जाते हैं, ठीक है। फिर आपके वर्टिकल स्लाइड वॉल में भी ये वॉल यूज किए जाते हैं, फिर आपके रोटरी टाइप वॉल में आपके वॉल, प्लग वॉल, बटरफ्लाई वॉल फ्रेंड हम लोग MS स्टील की जो माइल्ड स्टील पाइपलाइन होती है वहाँ यूज़ किए जाते हैं, जहाँ हम लोग कूलिंग टावर के टेरेस पे प्लांट वन को असेंबल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो चेक वॉल भी खुद होते हैं, चेक वॉल का फ्रेंड दूसरा नाम हमारा नॉन रिटर्न वॉल होता है, ठीक है। ये वॉल हम लोग ऊपर जो पाइप फिटिंग होती है वहाँ पर यूज़ करते हैं, और इस वॉल को हम लोग जो हमारी आउटलाइन पाइपलाइन होती है उसमें फिट करते हैं। जो फिट हम इसलिए करते हैं फ्रेंड कि हम लोग का जो पानी का फ्लो है, पानी का जो टंकी भर लेंगे इनलेट पाइपलाइन से, उसका जो है फ्लो बैक ना हो, है ना, बंद हो जाए, इसलिए हम इस वॉल का प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये आपका जो है चेक वॉल होता है। फिर आपका सेफ्टी एंड रिलीफ वॉल होते हैं, कंट्रोल वॉल्स होते हैं आपके, डायाफ्राम वॉल होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट फिगर पर। ये आपका फ्रेंड क्रॉस सेक्शनल है, एक मिनट फ्रेंड जरा क्लियर कर दूं, ठीक है। ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये आपका पहला जो है ये आपका गेट वॉल है, है ना, पहला जो है आपका गेट वॉल है, गेट वॉल है। इसका यूज हम जो है टेरेस पे जो वाटर सप्लाई प्लान ली जाती है, पाइपलाइन ली जाती है, तो जो डक्ट जो होती है यहाँ पाइप्स को नीचे डाउन किया जाता है अपार्टमेंट में, ठीक है। तो वहाँ आपका यहाँ इस प्रकार के, या तो आप कह सकते हो कि जब हम लोग मेन लाइन से ब्रांच लाइन में चेंज किया जाता है तो हम लोग इस वॉल का यूज़ किया जाता है, या डक्ट के पास से इस वॉल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऊपर ये स्पिंडल लगा होता है, ये आपका कास्ट आयरन का होता है, इसको आप जब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ऐसे करेंगे तो ये फ्लो उसका बंद हो जाएगा पानी का, और ऐसे एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो इसका फ्लो चालू हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपरली इसमें एक डिस्क लगी होती है, इसको ऊपर नीचे आने से फ्लो, पानी का फ्लो बंद होता चालू हो जाता है। ऐसे ही ग्लोब वॉल होता है, इसको भी हम लोग वाटर पाइपलाइन में यूज़ कर लेते हैं। ये फ्रेंड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल है, इसको चेक वॉल कहते हैं, नॉन रिटर्न वॉल कहते हैं। इसमें एक डिक्स फ्रेंड लगी होती है, ये देखिए डिक्स लगी हुई है। जब फ्लो का डायरेक्शन
इस वे में होता है, जाता है पानी, तो ये डिस्क ऊपर की तरह खुल जाती है फ्रेंड, ठीक है, जिससे पानी चला जाता रहता है, जाता रहता है। फिर जब पानी बैक आता है तो ये डिस्क जो है नीचे की तरफ गिर जाती है, जिससे फ्लो डायरेक्शन यहीं रुक जाता है और हमारा पानी बैक नहीं होने पाता है, ठीक है। इसीलिए नॉन रिटर्न वॉल्व प्रोवाइड, हम लोग जो टायर से पाइप फिटिंग करते हैं, टंकी फिटिंग करते हैं, वहाँ आउटलाइन में दी जाती है। टंकी फिटिंग के लिए मैंने पीछे एक वीडियो बना रखी है, थोड़ी पुरानी, इसको आप देख लो, उसमें मैंने इस नॉन रिटर्न वॉल्व का भी एक्सप्लेन किया है। ये एक फ्रेंड जो है ड्रेनिंग वाटर लाइन है, ड्रेनेज या वाटर लाइन कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। इसमें इस फिगर मैंने इसलिए लिया है कि इसमें जो है फिटिंग पे देखिए आपके वॉल यूज़ किए गए हैं, ये है गेट वॉल, ये है आपका हाफ रिटर्न वॉल, जो ये हाफ वो ऐसे ऐसे और ऐसे घुमाकर क्लोज या ओपन हो जाता है। ये इसके प्रेशर गेज हैं जो बताते हैं कि वाटर इस पाइप लाइन में कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर से पानी जा रहा है, आ रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट इमेज पे। ये आपके डिफरेंट पाइप्स हैं, डिफरेंट वॉल्स हैं फ्रेंड, ठीक है। देखिए ये वॉल, ये सब जानकारी मैं इसलिए आप तब दे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने दो साल की अप्रेंटिसशिप कर रखी है फ्रेंड, ठीक है। मैं जो है NBC लिमिटेड कंपनी है फ्रेंड, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड की है, हेड ऑफिस जो है दिल्ली में है, लोडी रोड पे, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने उसकी साइट कानपुर साइड में थी, कावतपुर में, रावतपुर चौराहे पे बीमा हॉस्पिटल में, तो वहाँ मैं दो साल का जो है अप्रेंटिस पीरियड था, वहाँ मैंने अप्रेंटिस कर रखी, तो एज ए प्लम्बिंग इंजीनियर तौर पर था, ठीक है। और अभी भी साइड इंजीनियर के तौर पर हूँ, जो कि अब तो यहाँ पर कासम भी एक कंपनी उसमें हूँ, ठीक है। तो बाल वाल है ये हमारा, इसमें वो बॉल लगी होती है जिसकी रोटेट होने से पानी फ्लो डायरेक्शन खुलता है और बंद हो जाता है। ये सब साइड व्यू है वॉल्स का। ये है गेट वॉल, गेट वॉल का जो है ये आप व्हील दे रखे हुए कास्ट आयरन का होता है, बाकी माइल स्टील होता है, बाकी बटरफ्लाई वाल है। ये हम लोग आपको बताया एक कूलिंग टावर में यूज़ किया जाता है। ये आपका हैंडल है, इसको दबाकर हम लोग वाल खोलते हैं, बंद है, एक बंद करते हैं। ये ग्लोब वाल है, ये डायाफ्राम वाल है, ये नीडल वाल है, ये प्लग वाल है, ये चेक वाल है, चेक वाल मैंने आपको कायदे से एक्सप्लेन कर दिया है, पिंच वॉल है, पिंचटन वॉल है और सेफ्टी वॉल है। ऐसी प्रेशर रिलीफ वॉल होता है, जहाँ पर प्रेशर पाइपलाइन होती है वहाँ पर वो इसलिए दिया जाता है कि पाइप में ज़्यादा जब प्रेशर रहता है तो वो प्रेशर को कम करता है, ठीक है बच्चा। चलते हैं आगे। ये फ्रेंड आपके जो है MS स्टील, मतलब MS पाइपलाइन और MS पाइपलाइन और स्टेनलेस स्टील पाइपलाइन पे मैंने एक वीडियो बना रखी है पुरानी कूलिंग टावर पर, तो वो लोग देख लीजिएगा तो मालूम चल जाएगा ये पाइपलाइन कैसी होती है, ठीक है फ्रेंड। और इसमें आज मैं इन पे जो वॉल्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। ये आपका MS सेफ्टी वॉल है, ये SS सेफ्टी वॉल है, मतलब कि माइल्ड स्टील सेफ्टी वॉल है। ये स्टेनलेस स्टील वॉल है, सेफ्टी वॉल है। ये नाइफ वॉल है, ये आपका स्टीम नॉन रिटर्न वॉल है, नॉन रिटर्न वॉल ही चक वॉल कहा जाता है। MS वाई स्टेनर है, ठीक है फ्रेंड। ये MS नॉन रिटर्न है, ये MS ग्लोब वॉल है और फिर नीचे ये आपका फुट वॉल है, ठीक है। फुट वॉल फ्रेंड हम लोग संक्शन पाइपलाइन में यूज करते हैं, संक्शन फ्रेंड क्या है, संक्शन पॉइंट क्या है, देखिए जब आपका बोरवेल होता है, ठीक है, बोरवेल होता है यहाँ पे गांव देहात में, जब जहाँ नहीं ट्यूबवेल लगे होते हैं तो वहाँ जो संक्शन नीचे होता है, संक्शन पाइपलाइन, वहाँ पे इस वॉल का यूज किया जाता है, ठीक है। इस वॉल का मोस्टली वर्क ये है कि पेट की जड़ें वड़े, टहनियाँ वड़े, कीड़े मकोड़े जो है हमारे फ्लो से पानी के बहाव में आगे नहीं आ पाते, इसलिए इसको यूज किया जाता है। फिर एक स्टीम टेप फ्लोट वॉल है, फिर आपका सेंट टेप है, फिर आपका फ्लेंज टाइप है, फिर SS वाई स्टैंडर है, फिर SS नॉन रिटर्न है, फिर SS ग्लोब वॉल है, फिर रबल फ्लेक्सिबल वॉल है, ठीक है। इसमें दोनों तरफ देखिए फिर आपका फ्लेंज लगी होती हैं और बीच में गैस रबड़ की गैस की जैसा है, ठीक है, तो इस वॉल को भी यूज करते हैं। फिर बिलो सील्ड वॉल है, गेट वॉल है, MS व्हील वॉल है, MS बाल वॉल है, फिर बाल वॉल भी है। ये सब फ्रेंड जो है MS और SS वॉल्स हैं। ये SS डिक्स वॉल है, इसमें एक प्रॉपरली डिक्स लगी होती है, इसका खुलना और बंद होता है, ठीक है। फिर SS
वीफियर टाइप है, फिर हैंडल टाइप है, व्हील टाइप है, फिर इलेक्ट्रिक एक्यूरेट वॉल है। ये डिफरेंट टाइप के वॉल जो है एमएस लाइंस में या एसएस लाइन में यूज की जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये क्रॉस सेक्शन है फ्रेंड दो वॉल का, एक आपका जो है ग्लोब वॉल है और दूसरा आपका फ्रेंड जो है क्या कहते हैं गेट वॉल है फ्रेंड। ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल है मतलब कि आपको वॉल्स के अंदर बारे में जानकारी हो जाएगी कि ये कैसे प्रॉपरली वर्क करता है, मालूम होना चाहिए एज ए साइट पे जो है वर्क करने के लिए हमको मालूम होना चाहिए कि वॉल्स कैसे प्रॉपरली वॉच करता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं देखते हैं, इसको भी देखते हैं फर्स्ट सीनर है ना। ये आपका जो है आप नए साइट पे काम कराएंगे किसी भी, ठीक है, तो आपका जो प्लम्बिंग का सिंबल होता है वो आपका यही रहेगा, यही रहेगा। अब इसमें देखिए पॉइंट वाइज पार्ट्स को आपको दिखाया गया, तो मैं नाम ले लेता हूँ। पहला आपका है हैंडविल है, दूसरा आपका योक स्लीव है, तीसरा आपका ग्लैंड फ्लेंच है, चौथा आपका ग्लैंड आई बोल्ट है, फिर आपका पांचवा है बोनेट बोल्ट है, फिर बॉडी है, फिर बोनेट है, फिर बैक स्टिच है, फिर स्टीम है, फिर डिक्स है, फिर सीट रिंग है। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ है ग्लोब वॉल की स्ट्रक्चर। फिर आपका है ये गेट वॉल का, गेट वॉल में फ्रेंड जो ये ऊपर का दे रखे हो ये हैंडविल है, ये आपका कास्ट आयरन का होता है जिसे CI कहा जाते हैं। इसके पाइप जिसकी मैंने फिटिंग की वीडियो भी पीछे बताई थी। ठीक है, ये ब्रिटनलेस मटेरियल होता है, गिरने में एक मिनट टूट जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आपका ये होता है यॉक, इसके अंदर फिटिंग, इसको यॉक कहा जाता है। फिर आपका जो इसकी साइड की जो स्टीम बनर लगी हुई है और बीच की जो ये रॉड टाइप की ये सिस्टम कहा जाता है। फिर ये ग्लैंड है मतलब नट टाइप्स के हैं। फिर आपकी पैकिंग है जिसे ग्लैंड पैकिंग कहा जाता है। फिर आपका बोनट है। फिर ये जो आपका काला दिख रहा है ये आपका बैक सीट है। फिर बॉडी है। फिर वेज मतलब कि वेज मतलब कि कोई भारी चीज को वेज कहते हैं। और फिर डिक्स सीट रिंग है। ठीक है, तो ये देखिए डायरेक्शन बता रहे हैं पानी का कि पानी साफ जाता है, तो ये जब हम लोग टाइट करते हैं तो ये डिस्क ऊपर से नीचे बैठती चली जाती है। ठीक है मैम, तो ये जो है वर्किंग प्रोसेस होता है कुछ वॉल्स का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका हाफ रिटर्न वॉल है, क्या है हाफ वॉल है। ठीक है फ्रेंड, ये हाफ वॉल है। ठीक है फ्रेंड, लिखने की जो ये मतलब कि नहीं लिख पा रहा है सॉफ्टवेयर पे वाइट बोर्ड पे। ठीक है, इसके लिए मैं पेन टैब लेने वाला हूँ बहुत एलिफेंट आपके लिए, तो मैं प्रॉपरली बहुत अच्छी से वीडियो जो है आपकी प्लम्बर की एज ए सिलेबस पे आपको बताऊँगा, क्योंकि थोड़ा लिखने में मिसमैच होता है। ठीक है, तो इस मेरे 5 मीटर यूट्यूब में लगभग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ITF फ्रेंड मोस्टली शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप मदद करोगे तभी दूसरा आँख भी आपके लिए आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।